हेलो लॉन्डो, क्या हालचाल। मैं आपका दोस्त पैंक्स लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्पॉन ट्रैपिंग, और ये वाला टॉपिक यार किसी यूट्यूबर ने कवर नहीं किया, बिल्कुल भी ढंग से कवर नहीं किया है, तो इस टॉपिक को करूँगा मैं आपके लिए कवर। और दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे दबाओ। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि स्पॉन ट्रैपिंग होती क्या है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप एनिमी टीम के स्पॉन में जाकर खेलते हो। आप एनिमी टीम के किसी भी बंदे को स्पॉन से बाहर नहीं निकलने दोगे। तो ओके, तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा कि स्पॉन ट्रैपिंग होती क्या है। अब मैं बताता हूँ कि ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए स्पॉन ट्रैपिंग के लिए। ओके, सबसे पहली टिप है आइडेंटिफाई द पाथ। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्रैश मैप का। इसमें जाने के हैं तीन रास्ते जो कि मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। पहला रास्ता एंड फिर सेकंड रास्ता एंड देन द थर्ड वन। तो अब मुझे बताओ इनमें से क्या बेस्ट है, पहला, दूसरा या तीसरा। ओके, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, लेकिन जो मोस्टली जो तुम्हारा काम आने वाला है वो वाला रास्ता वो है थर्ड वाला। अगर राउंड की स्टार्टिंग है तो मुझे वो फर्स्ट वाला रास्ता यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही मुझे मिड वाला रास्ता यूज़ करना चाहिए, मुझे थर्ड वाला रास्ता यूज़ करना चाहिए। तो यार मैं कब यूज़ करूँ यार मिड वाला और फिर वो फर्स्ट वाला, वो तो मतलब किसी काम के नहीं है उसका मतलब। ये तो यार थोड़ा सा डायनेमिक सिस्टम है, इसके अंदर आपको नहीं पता चलेगा आपको फर्स्ट कब लेना है मिड कब लेना है। आपको देखते रहना मैप की तरफ कि एनिमीज़ कहाँ कहाँ पे हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता सही होगा तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, इसे मैं ये नहीं कह सकता कि जर्नलाइज्ड है, लेकिन थर्ड रास्ता मोस्ट प्रोबेबली काम करता ही करता है। ओके, तो मेरी सेकंड टिप है कि सीधा अंदर मत घुसो, एक या दो किल निकालने की कोशिश करो पहले, फिर अंदर जाओ। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, आराम से खेलना है जैसे हम नॉर्मली खेलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, मेरी जो थर्ड टिप है वो है हाई ग्राउंड पे खेलो। कोशिश करो हाई ग्राउंड तुम्हें मिल जाए, ये नहीं कि तुम यार जमीन पे बैठ के खेल रहे हो कहीं पे। अगर तुम हाई ग्राउंड पे होगे तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे बंदे मारने के। ओके, थर्ड टिप आती है कि हमें कौन से पर्क्स यूज़ करने चाहिए और क्या हमें ऑपरेटर स्किल यूज़ करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर तुम स्पॉन ट्रैपिंग करना चाहते हो तो तुम्हें यूज़ करना चाहिए UAV, काउंटर UAV और शोक RC, ठीक है। और इसके साथ अगर तुम यूज़ कर रहे हो पर्क हाई अलर्ट तो सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, तो मेरी अगली टिप है कि ऑलवेज कीप मूविंग। यार एक जगह मत बैठे रहो, बिल्कुल कैंपर मत बनो यार, कैंपिंग करने वाला काम नहीं है यहाँ पे। तुम्हें थोड़ा सा इधर उधर हिलना पड़ेगा, थोड़ी मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक जगह कैंप नहीं करना, मूव करते रहना। ओके, जो मेरी लास्ट एंड फाइनल टिप है वो ये है कि डोंट पैनिक यार, बिल्कुल भी डरना नहीं है। और तुम्हारी जॉब जैसे ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि जैसे कि बी कैप्चर करना चाह रहे थे तुम, तूने स्पॉन ट्रैप कर दिया, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी टीम ने बी कैप्चर कर लिया इतने टाइम में, तो वहाँ से बाहर निकलाओ, वहीं पे मत बैठे रहो, वहाँ से बाहर निकलाओ, अपने टीम को सपोर्ट करो। ओके, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक लाइव एग्जांपल जिसमें मैं स्पॉन ट्रैपिंग कर रहा हूँ, तो चलते हैं गेम प्ले की ओर। एंड वेट 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 यार, मुझे ये कमेंट में लिखते रहते हैं यार बार बार कि तू यार रैंक्ड मैच नहीं खेलता। भाई मैं रैंक्ड मैच के ही गेम प्ले डालता हूँ, बोट्स को मारने का मेरे को भी कोई शौक नहीं है। ओके, लेट्स डाइव इनटू द गेम प्ले। और जरा गौर फरमाओ, मैं यूज़ कर रहा हूँ थर्ड पाथ, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले अभी वीडियो में बताया था। और एक दो किल निकालने की कोशिश पहले करो, फिर ही अंदर जाओ। देखो देखो, अब यहाँ पे मेरे को काम आया है मेरा हाई अलर्ट, देखो मैप के अंदर। ओके, मेरे को देखते रहो, मैं यहाँ मूव करता जा रहा हूँ, मैं एक जगह कैंप नहीं करूँगा यहाँ पे, हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करूँगा ताकि उनको समझ ना आए मैं कहाँ पे बैठा हूँ अब। ओके, अब देखो जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, मुझे वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यार ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करो यार, तुम लाइक नहीं करते यार, तुम लाइक करो, चार चार पाँच पाँच लाइक देते हो यार। और अगर तुम चैनल पर नए हो और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। I'm